जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपन अपनी प्रश्नावली कर रहे थे 3.2, उसका पांच क्वेश्चन मैंने सर 3.3 कर रहे थे, उसके पांच क्वेश्चन करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। चार आठ नंबर चौथे में आज नंबर पर पीछे बचे थे,
मतलब आप 714 पूरा पूरा दी जाता है, इसका मतलब 714 अगर 8 का भाग दी जाता है पीछे के तीन अंकों में, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है। 9 का नियम कहता है दी गई संख्या को जोड़ो, अभी हमने संख्या को जोड़ा कितना है 27, इन सबको जोड़ने में 27 आते हैं, 9 का भाग 27 में आता है पूरा पूरा, 9 दिया 27 हाँ, तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, हाँ ये 9 से विभाज्य है। फिर बात करें 10 का नियम कहता है 10 से विभाज्य का नियम कहता है जो दी गई संख्या उसकी इकाई क्या होनी चाहिए, 0, यहाँ पर कितना है 4, तो 10 का भाग नहीं जाएगा, 10 से विभाज्य नहीं है। 11 का नियम कहता है जो संख्या दी गई है उसके सम और विषम स्थान लगाओ, सम एक नंबर विषम होता है, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, ये जो 1, 3, 5 है, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 जो तो सम स्थान, ये क्या स्थान है, इसका स्थान एक नंबर है, ये इसका स्थान हो गया विषम स्थान, 3 है, 3 नंबर के साथ इसका स्थान हो गया 3 नंबर, और 3 क्या होता है विषम, तो विषम स्थान, विषम स्थान कौन कौन से है, 1, 3, 5, 1 पे कितना है 4, 3 पे कितना है 7, 5 पे कितना है 2, तीनों को जोड़ो 7 और 2, 9, 4, 13, फिर सम बढ़े 2, 4, 6 नंबर पे कितने होंगे जोड़ो, 2 नंबर पे 1, 4 नंबर पे 9, 6 नंबर पे 4, 9 और 4, 13 आना है 1, 14। अब इन दोनों का अंतर करो यानी एक दूसरे से घटाओ, सम और विषम संख्याओं की योग के अंतर को एक दूसरे से घटाने पे 14 - 13 बराबर क्या आ रहा है 1, अंतर कितना आना चाहिए, या तो अंतर आना चाहिए 0, घटाने पे कितना है 0, या फिर 11, 22, 33 44 यानी 11 के पहाड़े वाली संख्या, तो ये 11 से विभाज्य होगा, ये 11 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि सम और विषम स्थानों के योग का अंतर कितना आ रहा है 1, क्या आना चाहिए 0 या फिर 11 के पहाड़े वाली संख्या, इसलिए 11 का भाग नहीं जाएगा। ओके बेटा अगले नेक्स्ट है, पीछे क्या 6 है, इकाई के 0, 2, 4, 6, 8 और 2 का भाग जाएगा 3 का दी गई संख्या को जोड़ो, 2 × 8 = 10, 10 × 5 = 15, 6 = 21, 3 के बाद 21 आते हैं, तो इस तीनों को इस सबको जोड़ो 21 आ रहे हैं और 3 के बाद 21 आते हैं, तो हाँ 3 का भाग इसमें जाएगा, अब 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, तो 6 का भाग हमेशा जाएगा, 6 का नियम है कि संख्या में 2 और 3 से विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य होगी। आगे 4 से विभाज्य का नियम कहता है पीछे की दो संख्या देखो, 56 में 4 का भाग जाता है, हाँ जाता है 14 बार ये लेना करके 1, 6, 4, 16 पूरा पूरा भाग गया, पीछे के दो अंकों में भाग जाता है 4 का पूरा पूरा, तो इसमें 4 का भाग जा रहा है पीछे के दो अंकों में, पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा हाँ। 5 का नियम कहता है पीछे क्या होना चाहिए 0 या 5, यहाँ पर कितने हैं 6, तो 5 का भाग नहीं जाएगा। 8 का नियम कहता है पीछे की तीन संख्या, पीछे की तीन संख्या यहाँ 56, 8 56 में 8 का भाग जाता है, देखें 8 1 8 0 6 56 पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है 8 का भाग तीनों में पूरा पूरा जा रहा है पीछे की संख्याओं में, इस पूरी संख्या में भी जाएगा हाँ। 9 का नियम कहता है दी गई संख्या को जोड़ो, 2 × 8 = 10 + 5 = 15 = 21, अब 9 21 सबको जोड़ने में किस आ रहा है, क्या 9 का भाग कितना जाता है पूरा पूरा नहीं जाता, तो 9 से ये संख्या विभाज्य नहीं होगी नहीं। फिर आगे नेक्स्ट है 10वां कहता है तो दी गई संख्या है
उसमें जो इकाई के अंत में क्या होना चाहिए, जीरो। अगर इकाई के जीरो नहीं है तो एक संख्या दस से विभाज्य नहीं होगी, दस से विभाज्य नहीं है। अब इसके सम और विषम स्थान लगाओ, 2, 8, 5, 6, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। विषम कौन से, 1 और 3, 8 और 6 = 8 + 6 = 14, 2 और 4 = 2 + 5 = 7, 14 + 7 के बचे बचे 7। कितना है, 7 आ रहे हैं। क्या आना चाहिए, 0 या 11 की बड़ी बड़ी संख्या है, 11 के बोझ नहीं आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 11 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। चलो अभी इस सात पीछे 0 है, 2 का भाग जाएगा, पीछे 0 है तो 5 का भाग भी जाएगा, पीछे 0 है तो 10 का भाग भी जाएगा। फिर उस दीघी संख्या को जोड़ो, 3 और 0, 3, 3 में 6, 9, 9 0, 9, जोड़ने पर 9 आ रहा है, 3 का भाग जाएगा 9 में, तो इस संख्या में भी जाएगा। हाँ, 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, 6 का भाग भी जाएगा। हाँ, दीघी संख्या के पीछे के 2 अंक दे लो, 7 में 4 का भाग जाता है, हाँ 4 = 4, 2 = 0, 4 = 20, पीछे के 2 संख्याओं भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, 4 से। हाँ, अब 8 का नियम कहता है पीछे के 3 अंक ले लो, 7 0 और 7, इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है, ले जाना करके भी 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, नहीं। 9 का नियम क्या कहता है, दीघी संख्या को जोड़ो, जोड़ा 3 और 6 कितने होंगे, 9, 0 0 कोई मतलब नहीं है, सब कुछ जोड़ने पर 3 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा, 9, 9 का भाग 9 में जाते हैं तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। हाँ, अब 11 का नियम देख लो, लास्ट 11 का इसलिए जाएगा, देख लेना 3 0 6 0, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, विषम वाले 1 और 3 को जोड़ा, 0 + 0 = 0, सम 2 और 4 को जोड़ा, 6 + 3 = 9, 9 का भाग 9 में 0 के बीच बचा 0, 9 में 0 के बीच बचा 9, सॉरी 9 आ रहा है, आप सॉरी जोड़ने हैं घटाने पे, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। फिर लास्ट में पढ़ेगा 40, 68, 39, उसको देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना, 40 में पीछे क्या 9 है, दो का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि पीछे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 9, तो ही दो का भाग जाए। दीघी संख्या को जोड़ो, 4 6 10 9 18 18 3 18 3 21 21 और 9, 30, 3 का भाग 30 जाता है, इस पूरी संख्या में भी जाएगा। हाँ, चौथा है लास्ट के ग्रुप, देखो 39 है, इसमें 4 का भाग 39 में नहीं जाता है, तो इस 4 का भाग इस पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। फिर 5 का नियम कहता है पीछे क्या होना चाहिए, कड़े पे 0 या 5, यहाँ पे कितने हैं 9, 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा है और 3 का जा रहा है, जब 2 और 3 दोनों का जाएगा तो 6 का भाग जाएगा, इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, सिर्फ 3 का ही जा रहा है। 8 का नियम कहता है पीछे के 3 अंक देखो, 8 3 39, 8 3 पीछे 3 अंक है, इसमें 8 का भाग नहीं जाता और करके देख लेना इस पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा। इस पूरी संख्या को जोड़ा था हमने, 4 6 10 18 18 3 21 और 9 30, जोड़ने पर 30 आए, अब 9 का भाग 30 में नहीं जाता तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा, 10 का भाग तो जाएगा ही नहीं क्योंकि पीछे क्या है 9, इकाई पे कितने हैं 9, अगर इकाई पे 0 हो तो ये 10 का भाग जाएगा, इसमें भी 11 का इसमें भी भाग नहीं जाएगा, 11 का भाग आने में देखो 40 68 39, 1 नंबर 2 3 4 5 6, विषम वाले करो, 1 नंबर पे कितने, 1 3 और 5 पे, 1 पे 9, 3 पे 8, 5 पे 0, 9 और 8 17, फिर 2 4 और 6 सम सम पढ़ लो, 2 पे कितने 3, 4 पे 6 और 6 पे 4,
नीचे 9 4 9 4 13 17 13 के पीछे बचे 4 जोड़ने के डाटा क्या आ रहा है 4 आ रहा है तो इससे 11 का भाग नहीं जाएगा अगर जोड़ने के डाटा पर क्या है 11 के पारे में संख्या या जीवा यहाँ तो 4 आ रहा है तो 11 का भाग भी यही है। ओके ये हो गया कंप्लीट ये किसे कंप्लीट हो गया फर्स्ट ये उतारो क्या है आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ गुड बाय थैंक यू।